أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ناظرين हमारी आज की वीडियो का मौजू हाथ में ट्रेंड देखने के हवाले से है। आज की जदीद तहकीक के मुताबिक ट्रेंड की ताबीरें और अलामतें बेहद हैरान कुन और अजीब हैं और बिलाशुबा इसकी ताबीरों और अलामतों को इंसानी सोच के मुताबिक ताबीर किया गया है, क्योंकि ट्रेन की ईजाद ज़्यादा से ज़्यादा 200 साल पुरानी है। लिहाजा रोया की किताबों में मुअब्बिरीन इसकी ताबीर के हवाले से कोई बयान जारी नहीं करते हैं, लिहाजा इंसानी सोच और अल्फाज के मायने के मुताबिक इसकी ताबीरें वजूद में आई हैं और आज के लोग इसके मुताबिक इसकी ताबीर और अलामतें बताते हैं। अगर कोई ये कहे कि इब्ने सीरीन ने ट्रेन के हवाले से ये ताबीर बताई है तो वो गलत कहेगा, क्योंकि उनके ज़माने में ट्रेन थी ही नहीं। मगर जो ये इल्म जानता है वो इंसानी सोच को मद्देनजर रखते हुए इसकी ताबीर निकालता है और बयान करता है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वो से इस वीडियो को देखें और बताएं क्या हमने जो अलामत बताई हैं क्या वो आपके ख्वाबों से मुताबिकत रखती हैं या नहीं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। ख्वाब में ट्रेन देखना इस बात की निशानदेही करता है कि ख्वाब देखने वाला या देखने वाली मौजूदा दौर में बहुत से मसाइल से गुजर रहा है या गुजर रही है। अगर कोई शख्स ख्वाब में एक्सप्रेस ट्रेन देखता है तो ये इस बात की अलामत है कि देखने वाला जल्द ही अपनी ज़िंदगी में कुछ अजीबोगरीब वाकयात का सामना करेगा। और जो शख्स ख्वाब में देखे कोई रेलगाड़ी दूर से इसे नज़र आ रही है तो ये इस बात की अलामत है कि वो काम के लिए किसी नई जगह चला जाएगा। ख्वाब में सियाह ट्रेन इस बात की अलामत है कि देखने वाला एक बड़ी परेशानी में मुब्तला हो सकता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि बहुत दूर उसे सफ़ेद रंग की रेलगाड़ी नज़र आ रही है तो यह इस बात का सबूत है कि वो जल्द ही अपनी ज़िंदगी में कुछ दुरुस्त फैसले करेगा। जदीद दौर के मुअब्बिरीन के मुताबिक ख्वाब में ट्रेन का देखना इन परेशानियों से निजात की तरफ इशारा करता है जिनसे वो गुजर रहा है। अगर कोई शख्स ख्वाब में ट्रेन को तेज़ी से चलते देखता है तो ये इस बात की अलामत है कि मस्कूरा शख्स जल्द ही कुछ मामलात के बारे में खौफ में मुब्तला होगा। और अगर कोई अकेली औरत ख्वाब में ट्रेन को अपने आगे चलता देखे, यानी पटरी पर आगे ट्रेन चल रही है और ख्वाब देखने वाली ट्रेन के पीछे, तो ये इस बात की अलामत है कि इसकी जल्द शादी हो जाएगी और वो परेशानियों से निजात हासिल कर लेगी। अकेली औरत के लिए ख्वाब में काली ट्रेन देखना इस बात का सबूत है कि वो अपने प्यारे शख्स के साथ कुछ मसाइल का शिकार होगी जिससे वो उदास हो जाएगी। अगर कोई कुंवारी या अकेली औरत ख्वाब में देखे कि एक ट्रेन है जिसे वो दूर से देख रही है और वो गमगीन है तो ये इस बात की दलील है कि वो किसी का इंतज़ार कर रही है और इससे जल्द शादी करना चाहती है। गैर शादीशुदा औरत अगर ख्वाब में रेलवे स्टेशन देखती है तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि वो जल्द अज जल्द नेक मकासद हासिल करने का इंतज़ार कर रही है और जल्द अज जल्द शादी करना चाहती है। और इस तरह अगर गैर शादीशुदा औरत या लड़की ख्वाब में रोते हुए रेलवे स्टेशन देखती है तो ये इस बात की अलामत है कोई ऐसा शख्स है जिससे वो प्यार करती है और आने वाले वक्त में वो औरत या लड़की उस शख्स से दूर हो जाएगी। और अगर कोई शादीशुदा औरत या लड़की ख्वाब में रेलवे स्टेशन को देखती है तो ये इस बात की अलामत है कि इसे एक शानदार नौकरी मिलेगी और वो परेशानियों से पाक जिंदगी गुजारेगी। एक गैर शादीशुदा लड़की या औरत ख्वाब में देखती है कि इसके मंगेतर की ट्रेन पटरियों पर चल रही है और वो औरत या लड़की रो रही है तो ये इस बात की अलामत है कि वो किसी ऐसे शख्स का इंतज़ार कर रही है जिससे वो प्यार करती है और जल्द ही इससे मिलना चाहती है। अगर कोई औरत ख्वाब में देखती है कि वो तन्हा और अकेले काले रंग की ट्रेन पर सवार है और फिर उतरती है तो इस बात की अलामत है कि वो किसी बड़े माली बहरान का शिकार हो जाएगी
और अकेली लड़की का ख्वाब में सफेद ट्रेन से उतरने इस बात की अलामत है कि वो जिससे प्यार करती है उसे हकीकत में खो देगी। और अकेली औरत या लड़की का ख्वाब में तेज रफ्तार ट्रेन में सवार होना और उससे छलांग लगाना इस बात का सबूत है कि वो जल्दी कुछ गलतियों का एहसास करेगी जो वो कर रही है और खुदा की तरफ लौट आई वल्ला यार। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो का पहला हिस्सा यहीं पर ख़त्म होता है, जल्दी इसके दूसरे हिस्से की तरफ लौट आएंगे ताकि आप हजरात जल्द मजीद मुफीद मालूम से इस्तेफादा कर सकें। तब तक के वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप मुझे राना इमरान और हिस्ट्री एंड स्टोरी की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।